ऊपर चढ़ा देंगे, देखिए किस तरह से एकदम अपने स्टोर में चढ़ा के दिखाएंगे। नीचे करके पूरा इसमें हम फंदा लगाएंगे, या आपके पास बेल्ट हो तो इसमें बेल्ट लगा दीजिए, बेल्ट का सिस्टम नहीं है तो आप इसको ऐसे करके और इसको यहाँ पे फंदा लगा दीजिए और इसको यहाँ पे टांग दीजिए। इस तरह से आप बिना ट्रॉली के भी इन मशीनों को ऊपर ले जा सकते हैं, देखिए कितने आराम से जा रही है। यानी जो आप चाहते हैं उस पर एक्शन लीजिए, यानी उसको करना चालू कर दीजिए। और दूसरा चीज़ है संयम रखिए, जरूर होगा, संयम रखना बहुत जरूरी है। प्रकृति का नियम भी अपने टाइम से ही कुछ करता है, बारिश बारिश के समय होगा, धूप धूप के समय होगा, ये नहीं कि जब मर्जी तब धूप हो गया जब मर्जी बारिश हो गया, नहीं, उन सब का नियम है। उसी तरह संयम रखिए, तुरंत कोई चीज़ नहीं हो जाती। अगर सर दुनिया में टेंशन लेने से कोई चीज़ हो सकती ना, तो लोग टेंशन लेके सब चीज़ें कर देते हैं। टेंशन मत लीजिए, चिंतन करिए। चिंतन का मतलब हो गया, एक हो गया चिंता, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, कहने वाले कह गए भक्तदास कवि, चिंता से डायरेक्ट चिता पे जाएंगे और चिंतन करेंगे तो आपका काम भी हो जाएगा। बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, और बारिश हो या कुछ भी हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, रुकना मत, कर्म अपने करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये देखो सेल्फ ड्राइव भी हमारी टेस्टिंग के, लाइव दिखा दो कैसे टेस्ट होके आ रही है। ये घुमा लाके लाओ, देखिए हमने भी जब पानी में घुमा दिया, अभी दिखाओ जरा पानी में भी कैसे चल रही है। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, मैं संजीव कुमार मशीन वाला का भी है, तो मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक्साइटेड हो जाइए, आपका हमेशा कमेंट आता था सर इसको लाइव डेमो दे के दिखाइए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास बॉक्स टाइप के सामान आते हैं, जो कि ऊपर चढ़ाने में कैसे चढ़ाएंगे और उसके बारे में डिटेल में बताइए, देख पा रहे होंगे मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और वहाँ जूम करके दिखाओ हमने अपने कंपनी में कैसे लगाया हुआ है, वहाँ पे भी लाइव डेमो करके मैं दिखाऊंगा आपको। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो शुरू करने से पहले हरी का नाम लेंगे। आज हरी की बहुत अपार कृपा है, देख रहे होंगे धुआंधार बारिश हो रही है एकदम बेहतरीन वाली, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ किसान भाइयों को, एकदम हमारे अन्नदाताओं को, एकदम आनंद ही आनंद आ रहा होगा। ये भरपूर बारिश है फसलों के लिए और हमारे भूमिगत जल के लिए बहुत ही जरूरी है। वीडियो के लास्ट बन रही है, बहुत ही इंतजारी जानकारी दूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हरी का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण और राधे राधे का नाम लेते हुए वीडियो के लास्ट बन रहती है। ये आप देख रहे पा रहे होंगे पी ए सीरीज की मशीन है, जो कि मैंने स्टैंड पर लॉन्च की है और ये बहुत ज़्यादा धूम मचा रही है, क्योंकि इससे बहुत ही बजट बन गया, बहुत ही ज़्यादा पैसे बच रहे हैं। हमारी मंकी लिफ्ट देख पा रहे होंगे आप उधर सजा रखा है, जो कि 50 से 60,000 के लगभग में आती है और उसकी कॉस्ट वैल्यू घट गई। यानी आपका कपड़े का गोदाम है, फैक्ट्री है, या आपका स्टोर है, वेयर हाउस है, सब में ये काम आने वाली है ये पी ए सीरीज की मशीन। और ये बाल इधर से इधर कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे। और सिंगल फेस की है, हर एक साइज़ का है इसके अंदर। मैंने यहाँ से MCB ऑन कर दिया, ऑलरेडी फिट कर रखा है, फिट करके मैंने वीडियो डाल रखी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, जिसको बहुत ही लाइक किया जा रहा है। तो वीडियो के लास्ट तक बनिए, देखिए मैं किस तरह से इस बॉक्स को भी उठा के दिखाऊंगा। आप सोच रहे हैं कि भाई ट्रोली होंगी तो ट्रोली में हम ये कुंडा फंसाएंगे तभी ये उठेगा, ऐसा नहीं है। आप बॉक्स सीमेंट के कट्टे भी हो या सिलेंडर हो, कुछ भी हो, तो उसको चढ़ा सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बन रही है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहीं से स्टार्ट कर देंगे, हमने स्टार्टिंग का सिस्टम रखा हुआ है, ये बटन दबाते ही जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, देखिए ये जनरेटर स्टार्ट हो गया यहीं से। और ये देखिए, ये मैं चेंज ओवर नीचे कर देता हूँ, यहाँ लाइट चली गई इसलिए ये नहीं चल रहा था, अब ये चलेगी। हमने जनरेटर स्टार्ट करने का सिस्टम यहीं पर रखा है, जनरेटर हमारा कोसों दूर है उधर की तरफ, यहाँ से दिखाई भी नहीं देगा, बारिश आ रही है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से दिखाई दे देगा, वहाँ सबसे लास्ट में अभी मैं जाऊँगा तो दिखाऊंगा जनरेटर वहाँ। देखिए ये मशीन चालू हो गई, अब हम इसको क्या करेंगे, इस ऐसी चीज़ों को ले जाने के लिए ऊपर, हम इसे नीचे कर लेंगे। देखिए नीचे करके पूरा इसमें हम फंदा लगाएंगे, या आपके पास बेल्ट हो तो इसमें बेल्ट लगा दीजिए, बेल्ट का सिस्टम नहीं है तो आप इसको ऐसे करके और इसको यहाँ पे फंदा लगा दीजिए और इसको यहाँ पे टांग दीजिए। इस तरह से आप बिना ट्रॉली के भी इन मशीनों को ऊपर ले जा सकते हैं, देखिए कितने आराम से जा रही है। ये फंदा लगाने से, ये सब आइडियाज़ हैं जो कि मैं आपको देता रहता हूँ और आप इसे पसंद करते। देखिए ऊपर जाते ही आप वहाँ पे माल करके इसको जहाँ पे शिफ्ट करना है इधर कर दीजिए, या इसको इधर करना है तो इधर कर दीजिए, देखिए। और यहाँ पे करके हम इसे उतार देंगे, देखिए इसको उसके जगह पे उतार देंगे।
बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही यूनिक चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम अपने, और फिर यहाँ उतारने के बाद इसका हुक यहाँ से निकाल दीजिए और ये हो गया आपका फ्री। ये देखिए, और इसको इसे एक आदमी लेके चले जाएंगे और हम इसको ऊपर चढ़ा देंगे। देखिए किस तरह से एकदम अपने स्टोर में चढ़ा के दिखाएंगे और ये कंपनी में वर्क किस तरह से हो रहा है वो भी देखिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वो देखिए हम वहाँ पे कैसे मशीनें चढ़ा रहे हैं। ये हमने वेयर हाउस अपना बना रखा है ऊपर की तरफ और इसको मशीन को देखिए किस तरह से चढ़ाया जा रहा है। ये हमने यहाँ से रिंग मेकिंग मशीन और ये बॉक्स वगैरह, ये मिक्सर मशीन वगैरह भी चढ़ाएंगे। इसको हमने ऊपर ले लिया, ले के फिर उधर खींच लेंगे। अब उसको हम उतर उतारेंगे। देखिए ऊपर चढ़ाने का टेक्निक बता रहा हूँ, आपके पास भी ऐसा स्पेस कम होने की वजह से क्या है, आप भी ऐसी मचान बना के रखते हैं जो मैंने अभी अभी बनाया। हमारे पास भी स्पेस कम है। एक बार नीचे उतारो, मान लीजिए ऊपर से नीचे उतारना हो तो उसी तरह बांध के इस मशीन से आप ये नीचे की तरफ उतार सकते हैं। ये मैं लाइव डेमो करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप लोग भी ये चीज़ें कर सकते हैं। देखिए किस तरह से ये एकदम आराम आराम से छोटे वर्कों के लिए सही है। और ये जो आपने लटकाने वाली विंच देखी है उसे जूम करके दिखाओ, उसे जूम करके दिखाओ विंच को लटकाने वाली को। ये पीए इसमें क्या है, 200 किलो 150 किलो 300 किलो 500 किलो तक की कैपेसिटी के आता है एक एक टन का। तो अभी हमने इसमें 500 किलो कैपेसिटी वाला लगा रखा है। इसे ऊपर उठाओ, ऊपर उठा के इसे रख दो ऊपर। देखिए किस तरह से ये सब मशीनें जाएंगी ऊपर। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ऊपर किस तरह से मशीनें रखी जा रही हैं, सामान रखा जा रहा है और किस तरह से हम ये बना रहे हैं। फैक्ट्री में बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, देख पा रहे होंगे इतनी बारिश हो रही है, इस साल की सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है कि फैक्ट्री में भी पानी घुस गया है। देखिए देखिए आराम से आना भाई कैमरामैन, ये देखिए हमने किस तरह से अपना ये बना रखा है। आप ये देखिए, ये हमने बना रखा है एकदम कम से कम 70-80 गज का एक हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया और इस पर ये सारी मशीनें चढ़ा रहे हैं। इसे निकाल लो इसमें से, निकाल के वो मिक्सर मशीन चढ़ानी है, निकालो जल्दी से, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए डाउन कर रहा हूँ मैं, ये डाउन करके हुक निकाल दिया। अब इसको फिर और डाउन कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो मशीन में फंसाना इसको। ये देखिए किस तरह से ये नीचे जा रही है, वीडियो के लास्ट तक बन रही है। इन चीज़ों से हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है, बॉक्स लाना हो या मशीन लानी हो। ये देखिए नीचे दिखाओ, इसे उल्टा करो, उल्टा करो, हांडी 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 उल्टा करो, इसे झूले में फंसा दो, झूले में हांडी उल्टा करके। ये देखिए आप नीचे किस तरह से हम मशीनें ऊपर लाएंगे, ये आपके भी काम सारे आसान कर देगा। ये देखिए हाँ, अब इसको हमें झूले में फंसा देंगे, झूले में फंसा दो, झूले में इसके, हाँ ये देखिए ये हम इसमें फंसाएंगे किस तरह से माल ऊपर जाएगा। देखिए ये देखिए एक मिक्सर मशीन भी हम ऊपर चढ़ा रहे हैं। देखिए ये देखिए एकदम लाइव, देखिए एकदम लाइव, देखिए किस तरह से आ रही है और मैं यहाँ बटन दबा रहा हूँ और ये आने के बाद हम इधर खींच लेंगे। और ये देखिए ऊपर खींच लिया और ये देखिए इधर लो, थोड़ा सा ये बेल्ट वेल्ट थोड़ा ज़्यादा छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, नहीं तो वहाँ का स्पेस कम रहेगा। हमने वैसे ही ऑलरेडी ऊपर लगा रखा है। ये देखिए यहाँ से हमने ये हुक निकाल दिया और इसको लगाने की भी टेक्निक बता रहा हूँ। ये विंच क्या है, आपको एकदम सीधा लगाना है बैलेंस में, ये इधर ना झुका हुआ होना चाहिए ना उठा हुआ होना चाहिए। ज़्यादा झुका हुआ रहेगा तो रस्सा इधर की तरफ उतरने का डर है या इधर को, और एकदम बैलेंस में सीधा रहेगा तो रस्सा नहीं उतरेगा, इसका ध्यान रखना आप। और ये देखिए किस तरह से सारा सामान चढ़ाया जाएगा इस पर। अब मैं बॉक्स ला के भी दिखाता हूँ आपको किस तरह से बॉक्स इसमें लगाया जा रहा है। ये देखिए ये हम ऊपर से नीचे सामान उतार भी सकते हैं और नीचे से ऊपर चढ़ा भी सकते हैं। इसे लगाओ बॉक्स, लगाओ बॉक्स, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, आप उसको बेल्ट में भी लगा सकते हैं इस तरह से जिस तरह से वो लड़के लगा रहे हैं। बाकी मैंने एक टेक्निक और बताई थी जो इन्होंने नहीं देखा था, उस तरह टाइम ज़्यादा लगेगा। अब ये देखिए ये किस तरह से बेल्ट में लगा दिया गया है, तो इससे फटाफट ये उठ रहा है। देखिए उससे सरकने का भी डर है। अब वो रस्से में, इसी रस्से में हमने जो लगाया था, अभी मैं लगा के डेमो दिखाऊंगा, तो ये सरकता नहीं। ये देखिए किस तरह से आराम से ये उठा रहा है एकदम बेहतरीन तरीके से।
ये देखिए, ये देखिए ले लिया हमने और एकदम ऊपर ले लिया, यहाँ से ऊपर ले लिया और इसे डाउन कर दिया। देखिए इस तरह से हमने कितना सारा सामान चढ़ा दिया है और चढ़ाएंगे, इससे हमारी मैन पावर बचेगी और हमारी लेबर कॉस्ट बचेगी और किसी को भी सेफ्टी से एकदम सामान एकदम नीचे आएगा जाएगा। ये बेल्ट मत लगाओ, बिना बेल्ट के लगाओ इसमें। ये देखिए मैंने जैसे बताया था बिना बेल्ट के कैसे हम दिखाएंगे इसको लगा के, देखिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा। ये इसी के रस्से पे हम एक फंदा लगा देंगे कि इस, अगर आपका कोई ऐसा पार्ट्स हो, ये ध्यान रखना कि टूटने फूटने वाला पीस ना लगाए उस तरह से, नहीं तो वो टूट सकता है। ये लकड़ी का बॉक्स है तो इसको दबने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपका क्या है ये गत्ता हो या प्लास्टिक का आइटम हो या कांच का आइटम हो तो इस तरह का ना लगाए, उसको किसी बॉक्स में ही रख के लाए क्योंकि वो टूट भी सकता है, ये ध्यान रखे। ये चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो कहेंगे संजीव कुमार आपने तो बोला था इस तरह से गांठ लगाओ और माल ऊपर चढ़ाते रहो, तो वो आपके टूटने लगेंगे फिर नुकसान हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये बॉक्स चढ़ रहे हैं ये ऊपर की तरफ, और ये कितनी जल्दी जल्दी कितने सारे सामान चढ़ा के दिखा दिए मैंने। टेक्निकल और टेक्नोलॉजी हमारे सारे काम आसान कर देती है एकदम कृष्ण जी की कृपा से। अपने कर्म करते रहिए, जिंदगी का सबसे बड़ा दो सूत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ और हमेशा बताता ही रहता हूँ। सबसे पहला चीज जो सोचते हैं यानी जो आप चाहते हैं उस पर एक्शन लीजिए यानी उसको करना चालू कर दीजिए, और दूसरा चीज है संयम रखिए, जरूर होगा, संयम रखना बहुत जरूरी है। प्रकृति का नियम भी अपने टाइम से ही कुछ करता है, बारिश बारिश के समय होगा, धूप धूप के समय होगा, ये नहीं कि जब मर्जी तब धूप हो गया जब मर्जी बारिश हो गया, नहीं, उन सब का नियम है। उसी तरह संयम रखिए, तुरंत कोई चीज़ नहीं हो जाती। अगर सर दुनिया में टेंशन लेने से कोई चीज़ हो सकती ना, तो लोग टेंशन लेके सब चीज़ें कर देते हैं। टेंशन मत लीजिए, चिंतन करिए। चिंतन का मतलब हो गया, एक हो गया चिंता, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, कहने वाले कह गए भक्तदास कवि, चिंता से डायरेक्ट चिता पे जाएंगे और चिंतन करेंगे तो आपका काम भी हो जाएगा और एकदम फलेंगे फूलेंगे। इसलिए चिंतन कीजिए और एक्शन लीजिए, एक्शन बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। चाहे कोई भी हो, आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका घर का कोई भी हो, लड़का वड़का जो भी हो, आपके स्टाफ हो, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हमने ये बोल दिया और करने लग गए, तो एक्शन लेने से ही काम होगा और सारे काम आसान होंगे। देखिए किस तरह से पेंट मिस हो रहा है और ये हमने ये चीज़ें बनाई है थोड़ी सी कम जगह में ही, और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि किस तरह से वर्क हो रहा है और मैं आपको आइडियाज़ देता रहता हूँ। इस मशीन के बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं और बहुत सारे इसको बहुत डिमांड आ रही है इसकी, आपको देख पा रहे। आज मैं लाइव बस फैक्ट्री में ही वीडियो बना रहा हूँ आपको, और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा देखिए इसी जगह पे हमने ये बेंसा मशीन लगा दिया है, ये फ्लोटर लगा दिया है, मिलिंग लगा दी है, बारिश का पानी भी आ गया है, क्या करें। और ये देखिए हमारा जनरेटर इधर चल रहा है, यहाँ जनरेटर चल रहा है इधर की तरफ, पूरा पानी भर गया है फैक्ट्री में, और वहाँ से मैंने स्टार्ट करा था जो कि स्टार्ट हो गया था। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वरुण देव की अपार कृपा है, इस समय बारिश धुआंधार हो रही है और सारे काम एकदम बेहतरीन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बारिश हुआ था कि इस फैक्ट्री में पानी भर गया था इतना, और अभी बारिश हो ही रहा है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मैं आपको बारिश में भी दिखाता हूँ कि किस तरह से तेज़ बारिश हो रही है और किस तरह से हमारी फैक्ट्री में पानी भर जाता है एकदम। बारिश तो मुझे बहुत ही पसंद है, आप देख पा रहे होंगे,
एकदम कैसे फैक्ट्री में पानी भर गया है, आप आते हैं और ये देखिए ये बाढ़ आ गया। ओबे तेरी रोड पे दिखाओ भाई, ये तो स्वागत कर रहा है, बाढ़ आ गया है हमारा है। कोई बात नहीं, इतना तो बाढ़ वाड़ आता रहता है। ये देखिए बाढ़ कैसे आ गया है, अबे ये तो हमने देखा ही नहीं भाई। ये गाड़ियां भीग जा रही है, देखिए बाइक भीग जा रहा है और कितना बारिश हो रहा है, लोगों की बाइक स्कूटी सब बंद हो जा रही है और वो बच्चे नहा रहे हैं वहां पे, देखिए मजे ले रहे हैं। ये बच्चों को देखिए वो मजे ले रहे हैं, मैं भी मजे ले रहा हूँ बारिश में भीगने का। ये फैक्ट्री का बोर्ड देखिए हमारी कंपनी का, ये देखिए, और बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। और बारिश हो या कुछ भी हो, धूप हो आंधी हो तूफान हो, रुकना मत, कर्म अपने करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये देखो सेल्फ ड्राइव भी हमारी टेस्टिंग के लिए जा रही है, टेस्टिंग के लिए जा रही है सेल्फ ड्राइव। आइए मैं दिखाता हूँ आपको, इतनी बारिश में भी सेल्फ ड्राइव टेस्टिंग के लिए जा रही है हमारी, और ये खड़ी है बारिश। देखा आपने आज एकदम पानी पानी में पानी हो गया। उधर छूट करो, जा रही है, देख रहे एकदम टैंक के लिए और तैयार है। अब बाहर लाइव मोड देख के देखें, पीछे भी बैठ जाओ, आगे भी बैठ जाओ, पीछे भी बैठ जाओ, ले चलो इसको जरा एक राउंड लाके इन्हें चेक करवा दो, सर को आए हैं सामने से दिखाओ, सामने से इधर से एकदम बोर्ड दिखाई दे यहाँ पे। हाँ, और इधर से आओ, यहाँ से कोने पे से, हाँ लाइव दिखा दो कैसे टेस्ट होके आ रही है ये, चलो घुमा के लाके लाओ। देखिए हमने भी इसे पानी में घुमा दिया, भी दिखाओ जरा पानी में भी कैसे चल रही है। वेरी गुड, तहलका मचाते हुए चल रही है। चलो भाई चलो चलो, एकदम तहलका मचा। ये देखिए शेर को एकदम कैसे आ रही है, एकदम धुआंधार बेहतरीन पानी को एकदम काटते हुए। पीछे चलते जाओ, यहीं से दिखाना सामने से, ये देखिए देखिए कैसे ये एकदम सेल्फ ड्राइव धुआंधार इतने पानी में चल रही है, क्या बात है, एकदम बेहतरीन, मजा आ गया देख के भाई, धांसू मशीन है एकदम। सेल्फ ड्राइव टेस्ट करके आइए, देखिए यहाँ पे खड़ी है पानी में, अभी ये काए हैं, बहुत दूर से आप लोग आ जाते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहता हूँ और आप लोगों के लिए एकदम थैंकफुल हूँ। और आप आ जाएंगे तो हम भाई हम भी करेंगे ये चीज़ें। और ये देखिए हमारी मशीन वाला का बोर्ड, इधर से दिखाओ लाके, इधर से और इधर से दिखाओ, जब भी आप इधर से आएंगे कहीं से भी आएंगे, लाल कुआं एकदम मेन पॉइंट है, केंद्र है, जहां से भी आप आते हैं तो ये बोर्ड चमकेगा मशीन वाला का बड़ा सा। और ये फ्लाई ओवर है देखिए, और वो वहां अंडरपास है, और वो बच्चों को देखिए किस तरह से नहा रहे। और ये देखिए थोड़ा नीचे बैठ के दिखाओ, एकदम बाढ़ आया हुआ है। ये इतनी सारी चीजें हमारे हिम्मतों को हरा नहीं सकती और ना ही हमें दुख दे सकती है भाई। हिम्मतें स्ट्रांग रखिए, एकदम अपने बुलंद रहिए और अपने काम को करते रहिए। सेल्फ ड्राइव भी टेस्ट होके आ जाएगी, आ गई है, अब अंदर लगेगा। और ये देखिए मशीनें कैसे खड़ी हैं, तो यही मैं दिखाना चाह रहा था, मैं भी वीडियो बनाते बनाते भीग गया हूँ। सब जगह का हाल यही है, वरुण देव की अपार कृपा है और हमारे अन्नदाताओं को खुश रख रही है, किसान भाइयों के लिए एकदम पौधे पेड़ पौधे और ये जो हमारी फसलें हैं वो अच्छे तरीके से होंगे। देखिए किस तरह से पानी में एकदम पानी भरा हुआ है, और ये देखिए समुंदर की लहरों की तरह कैसे लहर आ रही है, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। गड्ढा नहीं है, निकलो आप, सीधा निकल जाओ। अब ये दूर दूर से आए थे, सोच रहे यहाँ पे गड्ढा है, गड्ढा नहीं है। देखिए कैसे ये कार डूब जा रही है, ये देखिए कार कैसे डूब रही है। इधर आ जाओ भाई, हमने पूरा दिखा दिया बारिश का सीन, ये दिखा दो। अब हम वापस चलते हैं कंपनी में, ये पूरा पानी का लहर उधर से आ रहा है, पूरी कंपनी में भी घुस रहा है। इस बार बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बहुत तगड़ी बारिश हुई है और बहुत ज्यादा बारिश हुई है।
तो बहुत ही अच्छी मशीन है जिसको बहुत ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है, और मैंने आपको पूरा घुमा के चारों तरफ दिखाया, लाइव डेमो करके दिखाया, और आप भी कहेंगे आज ये बारिश में भी हमें घुमा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइव ये चीज़ें दिखाता रहता हूँ कि ऑनेस्टली जो चीज़ें हम करते हैं वो आपके सामने रखते हैं। ये एक तरह से मेरा ब्लॉग ही मानिए, आप लोगों का प्रेम बहुत मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। वीडियो को देखते ही लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मेरे हौसले और बुलंद होंगे। और आपको किसी भी चीज़ की और भी जानकारी चाहिए या किसी भी तरह की मशीनें चाहिए, जो हमारे पास रिंग मेकिंग मशीन है, दुरमुट मशीन है, दुरमस मशीन है, किसी भी तरह की मशीन चाहिए, तो प्लीज़ इस बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करें। मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, जो आपका फर्स्ट कदम होता है इस बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके अपने लक्ष्य को हासिल करने का, उससे मेरे अंदर हौसले बुलंद होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आप मेरी बातों को सुनते हैं, कृष्ण जी की अपार कृपा है, और उसको लेके फॉलो कर देते हैं। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। ये जो रोड मैंने आपको दिखाया था बाहर जहाँ पानी लगी हुई थी, ये सीधा मथुरा वृंदावन और ये हरिद्वार और ये गंगोत्री से होके आ रहा है। और जब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ग्राहक हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो उधर से आते हैं, डायरेक्ट भगवान जी का दर्शन करके कहते हैं सर मैं तो मथुरा से आ रहा हूँ, मैं तो वृंदावन से आ रहा हूँ, पूरी फैमिली के साथ गाड़ी घुमा देते हैं संजीव कुमार से मिलने के लिए और मशीनें देखने के लिए, और वो आ जाते हैं मुझे बताते हैं, तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली फील करता हूँ। उनके चरणों को छू के मैं कहता हूँ आशीर्वाद दीजिए भाई, परमेश्वर के भक्त डायरेक्ट दर्शन करके मेरे पास आ गए, इससे बड़ा क्या चीज़ है। मुझे मौका नहीं मिल रहा है इधर उधर जाने के लिए, पर डायरेक्ट भक्त आ गए तो उससे बड़ी क्या चीज़ है। मैं अपने काम में, अपने कर्म में लगा हुआ हूँ और आप लोगों की सेवा में लगा हूँ, इससे भी ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक कर रहा हूँ, वो और हो जाएंगी आप लोगों का जो साथ है। तो आप प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते ही सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे क्या है मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास पहुंचेगा और जो भी नई मशीनें लॉन्च होंगी वो आपके पास पहुंचेगी। तो कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा आज का ये बेहतरीन वीडियो और ब्लॉग, मुझे पर्सनली कमेंट करके बताएं, और किस चीज़ पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए मुझे पर्सनली कमेंट कर बताएं, और ये मशीन कैसे लगी जो ज़्यादा धूम मचा रही है हमने कम बजट में बना दिया, मुझे पर्सनली कमेंट कर बताएं, किस और किस तरह की मशीनें चाहिए आपको मुझे पर्सनली कमेंट कर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से नमस्कार। बहुत ही जल्दी नई वीडियो एक आने वाली है जिसको आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो एकदम आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हर टेक्नोलॉजी और नई वीडियो आपके पहले मिलेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, तो उसको इंतज़ार करते रहिए, मैं बहुत ही जल्दी उसको अपलोड करने वाला हूँ। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे।